बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सरवत किचन में आप सब की दावत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के गुलाब जामुन। तो चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप सूजी, 1 कप चीनी, 1 कप मिल्क, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सबसे पहले हम लेंगे एक फ्राई पैन और इसमें हम लेंगे 1 टेबलस्पून घी। और अब इसमें हम लेंगे सूजी। और इसे हम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो 6 से 7 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेंगे। लगातार इसे चलाते हुए भूनेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। इस तरह से फ्लेम अपना हम लो ही रखेंगे। और अब इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम साइड पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब हम तैयार करेंगे चाशनी। तो इसमें हम लेंगे चीनी 1 कप और 1 कप ही हम इसमें पानी लेंगे। चला लेंगे। तो ये देखिए चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो गई है और इसका सिरप हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा और ये पकेगा जब तक इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ना लगे कि हाथ में बस चिपक रहा हो। बहुत ज़्यादा एक तार की चाशनी नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा शुगर सिरप तैयार है, इसे हम चेक कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए बस थोड़ा चिपचिपापन लगना चाहिए, जैसे हनी की कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल उस तरह से। इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे इसे। तो अब इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे हम साइड पे रखेंगे। अब जो हमारा ये सूजी का डो है इसमें हम मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मिल्क पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर देंगे और इसे हम 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से नीट करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी बेकिंग सोडा, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब हम हाथों में थोड़ा घी लगा लेंगे इस तरह से और इसके छोटे छोटे से बॉल्स तैयार करेंगे लेमन साइज के। इस साइज के और इसे हम थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर देंगे। ये देखिए इसमें बिल्कुल क्रैक्स नहीं है। तो
तो ये देखिए हमारे सारे पेड़े बनकर तैयार हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब लेंगे हम कोई फ्राई पैन या कढ़ाई और इसमें हम लेंगे तेल। इसे हमें डीप फ्राई करना है तो तेल हम अच्छे से लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। तो अब हमारा तेल गरम हो चुका है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया मैंने, ये मीडियम हीट है। इसमें हम छोटा सा बॉल डालकर देखेंगे इस तरह से। ये देखिए बस थोड़ा बबल आए और उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर आए, इसका मतलब तेल हमारा परफेक्ट गरम है। और अब इसमें हम ये पेड़े डालते जाएंगे और इसका फ्लेम हम लो ही रखेंगे। इसे हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, बस साइड साइड से इस तरह से हम तेल को इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि ये भारी होता है तो नीचे बैठ ना जाए इसलिए। तो अब इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो गया है। फ्लेम आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिएगा। तो ये देखिए बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है, इसे अब हम निकाल लेंगे। और इसे हम डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। तो इसी तरह हम इसे चाशनी में ही रखेंगे लगभग 1.5 से 2 घंटे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सॉफ्ट सूजी के गुलाब जामुन। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।